इस बार का जो खेलो इंडिया कार्यक्रम जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है हरियाणा को मेज़बानी के लिए मिला है, तो इसके लिए पहले तो मैं भारत सरकार का, हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री जी सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी इस प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया और खेलो इंडिया जो है मेज़बानी करने का हमको अवसर मिला। इससे पहले 3 बार हो चुका और ये चौथा खेलो इंडिया का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसकी तिथियां पहले नवंबर के लिए तय हुआ था, लेकिन इस कोविड के कारण से हमने भी प्रार्थना की और केंद्र सरकार ने जो इस पर सारा जिसको कहना चाहिए कि नज़र रखे हुए, उन्होंने भी सुझाव दिया कि इसको हम थोड़ा लेट करें। तो अब ये तिथियां जो नए सिरे से तय हुई हैं 5 फरवरी से 14 फरवरी, ऐसा ये समय इसका तय हुआ है। सारे देश भर के लगभग 10,000 के आसपास पार्टिसिपेंट्स इन खेलों में आएंगे। जो अभ्यागत हैं, जो स्पेक्टेटर्स हैं, ऑडियंस है, वो इसके अलग होगी, लेकिन हमें 10,000 लोगों की तो यहाँ ठहरने की व्यवस्था उनकी सबकी करने का अपना एक कार्यक्रम हमने बनाया है। इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सॉफ्ट आइटम्स हैं, हार्ड आइटम्स हैं, उन सब के लिए प्लानिंग सारी बन गई है। बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स ने ले लिए हैं, कुछ थोड़े बचे हैं, तो अगले 4-5 दिन में वो सब हो जाएंगे। मोटे रूप से इसका जो अनुमान हमारा है कि इस आयोजन के लिए हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों मिलाकर, हार्ड यानि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, सॉफ्ट यानि जो इन खिलाड़ियों के लिए बाद में व्यवस्था में जो काम करने होंगे, सबका मिलाकर 250 करोड़ रुपये का खर्च है, जिसमें 100 करोड़ रुपया सॉफ्ट आइटम्स के लिए और 150 करोड़ रुपया लगभग हार्ड आइटम्स के लिए। आज लगभग 2 महीने इन गेमों को शुरू होने में बाकी हैं, लगभग क्या पूरे ही 2 महीने, आज 4 तारीख है और 5 तारीख से ये खेल शुरू होंगे फरवरी से। इसका एक बार निरीक्षण करने का कार्यक्रम मैंने बनाया इसीलिए कि हम अपनी तैयारियां सारी ठीक से उसका कर सकें, रिव्यू कर सकें, कहीं कोई कठिनाई हो तो उसको समय अभी है उसको दूर कर सकें। लेकिन मुझे संतोष है कि जितने भी आइटम्स यहाँ होने हैं उन सब खेलों के लिए जो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वो सारा टाइमलाइन जो बनाई गई हैं उसके हिसाब से ठीक चल रहा है। कुछ चीज़ें 15 दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी, कुछ चीज़ें 31 दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी, लास्ट आइटम भी हमारी 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अगला महीना जो जनवरी का होगा उसमें अभ्यास, स्थानीय जो खिलाड़ी हैं वो भी अभ्यास करेंगे, कोई छोटी मोटी चीज़ सुझाव के रूप में या कोई कमी के रूप में ध्यान आती है तो उसको करेंगे, एक प्रकार का वो एक महीना पूरा हमने उसकी सारी चीज़ों का रिव्यू करने के लिए फिर से रखा है। कुल हमारी जो खेल होंगे, आइटम्स होंगी 25 प्रकार के खेल, ये सब खेलो इंडिया में होने वाले हैं। 20 तो जो पहले से खेले जाने वाले खेल हैं, जो पहले भी खेले जाते थे, हर बार स्थानीय तौर पर कुछ प्रादेशिक डिमांड के हिसाब से खेल भी इसमें रखे जाते हैं, तो 5 ऐसे खेल जो शायद उसमें से पहली बार ही कुछ तो जुड़ रहे होंगे, अलग अलग प्रांतों की डिमांड के ऊपर उनको जोड़ा गया है। जैसे उसमें गटका तो पंजाब के का एक प्रकार का स्थानीय खेल है, रीजनल उसका खेल है। एक थांगटा, ये मणिपुर का खेल है। कलारीपयट्टू, ये केरल का है। मलखम्ब सामान्यतः महाराष्ट्र में ये खेला जाता है। और एक इस बार डिमांड थी योगासन की, योगासन तो एक राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ही गेम बन गया अब तो, उसको भी जोड़ा है प्रयोग के रूप में। ऐसे 5 ये नए खेल जोड़े गए हैं। कुछ खेल जो बाहर होंगे यहाँ नहीं होंगे, कुछ पार्टली बाहर होंगे पार्टली यहाँ होंगे, जैसे फुटबॉल, इसको पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में भी होगा और यहाँ ताऊ देवीलाल कम्प्लेक्स में भी फुटबॉल ग्राउंड में होगा, तो ये 2 जगह अलग अलग होंगे, फाइनल कुल मिला के यहाँ होगा बाद में। और ऐसे ही ये जो स्थानीय जितने ये जो 5 खेल जोड़े गए हैं पहली बार, ये सब क्रिकेट स्टेडियम में, पंचकुला का जो अपना क्रिकेट स्टेडियम उसी में होंगे सब। और फिर हमारा जो वेट लिफ्टिंग है, ये कार्यक्रम होगा सेक्टर 14 का जो गर्ल्स कॉलेज है उसके ऑडिटोरियम में। टेनिस जो है जिमखाना क्लब सेक्टर 6 पंचकुला है, वहाँ पर टेनिस होगा। जूडो का कार्यक्रम रेड बिशप का जो हॉल है उसमें होगा। आर्चरी पंजाब यूनिवर्सिटी का जो ग्राउंड है
आचरी उसमें होगा, और हॉकी जो है दो जगह होगा। इसका जो शाहबाद में जो लीग मैचेज हैं वो शाहबाद में होंगे, फाइनल यहीं पंचकुला में होगा। फिर जिमनास्टिक्स सारा अम्बाला में ही होगा, स्विमिंग भी अम्बाला में होगा, और साइकिलिंग जो है इसकी इवेंट दिल्ली में भी होगी पंचकुला में। जो रोड इवेंट है वो पंचकुला होगी, और जो ट्रैक इवेंट है साइकिलिंग का वेलोड्रम वो दिल्ली में होगा। और शूटिंग जो है, ये जो शूटिंग रेंज है दिल्ली में, करण शूटिंग रेंज, वो दिल्ली में होगा। तो ऐसे ये अलग अलग स्थानों के सब गेम होंगे। फाइनल यानी लगभग 8 तारीख से फाइनल भी शुरू हो जाएंगे। कुछ गेम्स स्टार्टिंग में करने के बाद उनके 8 को हो जाएंगे, कुछ को 9 को हों, 10 को होंगे, तो फाइनल जितने हैं वो सारे लाइव उनके टीवी के ऊपर भी, कुछ चैनल्स के ऊपर वो दिखाए जाएंगे, स्टार स्पोर्ट्स तो उसमें वो दिखाए जाएंगे। मोटे रूप से एक उत्साह ये हरियाणा के खिलाड़ियों में तो स्वाभाविक बना हुआ है, आसपास के क्षेत्र में भी, चाहे वो चंडीगढ़ है, चाहे हिमाचल का कुछ पोर्शन है, हरियाणा का तो है ही है, पंजाब के कुछ लोग, वो यहाँ पर इन खेलों का आनंद लेने के लिए ज़रूर आ सकेंगे। खिलाड़ियों का चयन तो हो चुका है, जो हमारी टीमें हैं यहाँ की हो गई है, सभी प्रांतों ने अपने अपने खिलाड़ियों के टीमें चयन उसका कर लिया है, लेकिन अब जो उसमें व्यूअर्स हैं, उसको देखने वाले हैं, जो स्पेक्टेटर्स हैं, ऑडियंस है, वो सब यहाँ, उनको अभी विचार हमारा चल रहा है कि किस तरीके से पास सिस्टम बनाया जाए, पास पहले दिए जाएँ या यहाँ काउंटर पर दिए जाएँ, या कुछ प्रोमिनेंट आदमियों को देख करके उनके माध्यम से बंटवाया जाए, वो सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन पर्याप्त स्थान जो है, सिटिंग अरेंजमेंट्स पर्याप्त हैं, यहाँ कोई कमी नहीं है। जो इसका ओपनिंग सेरेमनी है वो 5 तारीख को वहाँ ओपनिंग सेरेमनी होगी, और ऐसे ही क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो 14 तारीख को होगी। उस पर भी केंद्र सरकार के लोग भी आएंगे, हम सब लोग भी होंगे, तो वो भी एक कार्यक्रम, उसके टेंडर उसके दे दिए गए हैं कि कौन कौन उसका अरेंजमेंट देखेगा करेगा। ठहरने के लिए होटल जितने हैं उनके लोगों से टेंडर दे दिया गया, उनसे बातचीत कर रहे हैं, कुछ कंपनियां हैं वो सारा उसका करके, ऐसे ही उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं भी टेंडर के माध्यम से कर दी गई। वर्तमान में चूँकि ये पहली बार यहाँ हो रहा है, और ये स्टेडियम में भी जितनी नई चीज़ें बन रही हैं पहली बार देख रहे हैं, इतनी तो पहले थी नहीं, सिवाय क्रिकेट स्टेडियम के और कोई चीज़ यहाँ बड़ी नहीं थी। अब तो हमारा जो निदेशालय है वो भी यहीं बन गया है खेल स्पोर्ट्स का, और उसको भी हमने सारी फैसिलिटीज़ को दे दी हैं। जितना और नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, पहली बार बन रहा है, उसका सारे काम उपयोग करेंगे। फिर आगे चल करके इस प्रकार के खेलों को, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के खेल कराने की भी हमारी आगे चल के कोई योजना सी हो सकती है, तो उसमें आसपास के जो हमारे स्थान हैं, चाहे उसमें अम्बाला है, चाहे उसमें यमुनानगर है, या हमारे और आसपास कोई गांव में भी, किसी नज़दीक कस्बे में भी हो सकता है। अभी हमने शाहबाद में जैसे इस बार हॉकी करने का, ये खेल करने का विचार किया, तो वहाँ भी सब हो रहा है। करनाल में एक बड़ा स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल का बने, उसके भी उसका विचार हो रहा है, और फरीदाबाद में एक क्रिकेट स्टेडियम बड़ा बनाया जा रहा है। तो ऐसे अलग अलग स्थानों पर बन रहे हैं, लेकिन किस स्थान पर करना होगा या पूरे स्टेट के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करना होगा, ये डिपेंड करता है कि जब कोई आइटम, जब कोई ऐसा प्रोग्राम आएगा, इवेंट आएगी, उसमें तय करेंगे। और उसको समय तक तो हमें जो समय मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। आखिर खेलों के लिए हम निरंतर हर साल आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं उसमें आंकड़े के नाते आपको मैं बताऊं, तो खेलों का हमारा 2014-15 का जो बजट है वो 151 करोड़ रुपया था, जिस जो बढ़कर के 21-22 में 394 का हो गया, यानी डबल से भी ज़्यादा हुआ। तो इसलिए ये जो खेलों के बजट को हम हर साल बढ़ा रहे हैं, आवश्यकता के हिसाब से जितनी जितनी आवश्यकता होगी, जितना जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ेगी, उसके हिसाब में लगातार बढ़ाएंगे। और न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सुविधाएं, जैसे नर्सरीज हैं, हमने पहले 500 नर्सरी कोविड से पहले हमारी चल रही थी, कोविड के दोनों में प्रायः सब बंद हो गई थी, क्योंकि आना जाना ही बंद हो गया लोगों का, बच्चों का खास करके। अब हमने दोबारा से उन 500 को शुरू कर रहे हैं, और 1000 का टारगेट जो रखा हुआ हमने उसको पूरा करेंगे। कैच दम यंग वाली जो पॉलिसी है उसके ऊपर हम चलेंगे कि बच्चे जो हैं वो उनकी रुचि, उनकी क्षमता, उनका शारीरिक बल, उसके हिसाब से उनको तैयार किया जाएगा बचपन में ही। आगे चलकर जो हमारे स्टेडियम्स हैं, स्टेडियम्स भी जो ग्रामीण स्तर के हमारे स्टेडियम हैं ब्लॉक लेवल के, उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन उनको भी दोबारा से रेनोवेट कर रहे हैं। जितना खर्च उसमें लग रहा है, एक मैपिंग कर रहे हैं कि जिस इलाके में स्टेडियम कम है, उस इलाके में डिमांड के हिसाब से
हम कहाँ कहाँ स्टेडियम बनाए जा सकते हैं उसकी मैपिंग करके स्टेडियम और बढ़ाएंगे, फिर उसमें कोचेज़ की व्यवस्था ये भी कर रहे हैं, और योगासन का जहाँ तक विषय है योग शिक्षक 1000 योग शिक्षक की हमने एडवर्टाइजमेंट निकाली थी, 600-650 के लगभग उपलब्ध हुए हैं, क्योंकि जो योग का तज्ञ होगा, योग को जानने वाला होगा, योग की छोटा मोटा सर्टिफिकेट कोर्स या डिग्री कोर्स डिप्लोमा कोर्स कुछ किया होगा, उन्हीं को उसमें लगाया जाएगा। तो इन चीज़ों को हम आगे बढ़ रहे हैं।